जो है ना वो आई थिंक श्री कृष्ण भगवान ने कुछ कुछ थिंग की स्पिरिचुअल रिलीजियन इस सब एस्पेक्ट्स में कोई चीज़ को कवर करने का बाकी नहीं रखा है। ही हैज एक्सप्लेन एवरीथिंग, ऑल सब सब्जेक्ट्स कवर किए हैं उन्होंने, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। एक ही चीज़ बताई है ऐसा नहीं है, फोकस एक पर नहीं किया है उन्होंने। हाँ, अल्टीमेट फोकसिंग उनका आत्मा ऊपर है ही, आत्मा आत्मज्ञान टू रियलाइज वन सोल सर, दैट वाज द अल्टीमेट थिंग जो अर्जुन को रियलाइज कराना था, दैट वाज द मेन गोल। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल बिगिनर था, इग्नोरेंट, बहुत ही उसको कुछ पता ही नहीं था रिलीजन के बारे में, उसको कुछ मालूम नहीं था, जीरो था आत्मा के बारे में। हम लोगों को काफ़ी चीज़ें मालूम है, लेकिन अर्जुन को कुछ मालूम नहीं था आत्मा जैसी चीज़ है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन करता था। तो दोनों चीज़ एकदम अलग है, यस बिगिनर था, बिल्कुल ज़ीरो था आत्मा के बारे में, और द सिचुएशन ऐसे संजोग में उसको गीता का ज्ञान देना पड़ा कि जब वो बहुत विषाद में था और युद्ध में से बाहर निकल जाने का सोचता था वैराग लेके, तो उसको वास्तविकता बताने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उसको एक वन बाय वन उसको समझाने कन्विंस करने का ट्राई कर रहे थे। सच सपोज आपका सन है तो उसको कुछ समझता नहीं है, कुछ मानता नहीं है, तो आप उसको समझाने के लिए कितने सारे आर्ग्यूमेंट करोगे। सपोज वो जंक फूड खाना चाहता है तो आप उसको 10 आर्ग्यूमेंट करोगे, ये नहीं खाना चाहिए, इससे ये होगा, वो होगा, वो होगा, इसमें बहुत ख़राब हुए, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसमें ऐसा होता है, कितनी सारी तबीयत खराब होती है, सब एस्पेक्ट से आप उसको एक्सप्लेन करोगे, राइट। 10 में से इसका हेतु क्या है कि 10 बातें बताते बताते एक आधी बात अगर उसके दिमाग में घुस गई, बस बहुत हो गया, काम हो गया, इसलिए 10 बातें बताई हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कि 10 ही 10 चीज़ उसके दिमाग में घुस जाए और उसको फॉलो करे, ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन उसका, उसको कुछ भी बात समझ, एक एक भी बात उसके दिमाग में आ गई, मोर देन इनफ। तो इसलिए बिगिनिंग से उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वन बाय वन इसको समझाने की कोशिश की। जो बैराग लेके और युद्ध छोड़ के चले जाने की बात कर रहा था, तो कहता ये तो तुझे करना ही पड़ेगा, तू नहीं बोलेगा तो भी नहीं चलेगा, अभी तू बैराग लेके बैठ गया है लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा तेरा बैराग, क्योंकि वो तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का खून कैसा है, वो खौल उठता है जल्दी जल्दी, जरा भी देश तेरे कान में बातें आएगी तो राजमहल में चले जाएगा, जंगल में चले जाएगा, और कोई तुझे सुना कहने आएगा कि भाई देखो देखो युद्ध में युधिष्ठिर भैया को ऐसा हो गया, किसी ने उसको बहुत इंजोर किया या भीम को इंजोर कर दिया, तो तू नहीं बैठ रहेगा, तेरा खून खोल उठेगा और वहाँ से वापस आएगा तू लड़ने के लिए, ये क्षत्रिय प्रकृति है, तेरा खून ऐसा है, तो तू चुपी बहरा लेके खुद गलत गलत बोल रहा है, यू तू नहीं इसमें सक्सेस जाएगा, वापस आएगा तो और गलत दिख, तू और ख़राब दिखेगा। तो ऐसा एक बार एक बार उसको समझा के उसको युद्ध को में प्रवृत्त करने के लिए एक्सप्लेन कर रहे थे बिगिनिंग में। फिर वो कहता है मुझे पाप लगेगा, नहीं ये होगा वो होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई तो पाप किसको लगता है, कब लगता है, देयर इज द ब्यूटी ऑफ ऑल सारी गीता सिर्फ दो सेंटेंस में ही पूरी हो जा सकती थी, उसका एक्सट्रैक्ट दो ही सेंटेंस में आता है।
आप बहुत उतावले मत हो जाना क्योंकि अर्जुन को समझाने के लिए इतने सारे 18 अध्याय लगाए, आप बताएंगे हम आपको। एक तो फर्स्ट, यू आर नॉट अर्जुन, यू आर नॉट शर्मा। फर्स्ट नेम सु कोई, फर्स्ट नेम क्या बताया, संजीव। यू आर नॉट संजीव, आप संजीव नहीं है, संजीव आपका नाम है। आप जो मानते हैं कि मैं संजीव हूँ, ये तो आपको पहचानने के लिए दिया गया हुआ लेबल है, साइन है। आप पैदा हुए तब थोड़ी एक कहीं लिख कर लाए थे, बाद में दिया गया है। और कल आपको इसको बदलना है तो बदल सकते हो नाम, संजीव के बदले संजय रख सकते हो या राजीव रख सकते हो, जो रखना है सो रख सकते हो, राइट। यू कैन चेंज, कोर्ट में जाते हैं आपको बदल सकते हैं। जो चीज़ बदला जा सकती है वो आप खुद कैसे हो सकते हो, आप तो वैसे के वैसे हो, वही हो। नेम कैन बी चेंज, यू कैन नॉट बी चेंज। दैट मीन्स द नेम इज टोटल सेपरेट फ्रॉम योर ट्रू सेल्फ। यू से माय नेम इज संजय, नॉट आई एम। आई एंड माय, दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज। आई इज योर ट्रू सेल्फ एंड माय इज योर रिलेटिव सेल्फ। सो वेर एवर यू से माय माय माय, दैट इज ऑल योर रिलेटिव्स। एंड आई, जो माँ माय कहते हैं ना, माय कहने वाला आई उससे अलग हो सकता होता है। यही उसको पहले स्टार्टिंग में यही उसके दिमाग में घुसा है। तो आई क्या है, तो कहते हैं आई यानी देयर ट्रू सेल्फ, दैट इज योर आत्मा, दैट इज योर, यू आर ऑल अलोन। बाकी माय जहाँ जहाँ लगाते हैं, माय बॉडी, माय स्पीच, माय माइंड, माय हाउस, माय चिल्ड्रन, माय मनी, माय वाइफ, माय, ये सब माय है, और रिलेटिव और टेम्पररी है, दैट इज विनाशी है, कह दिया उन्होंने। और आ यानी आत्मा, वह तुम खुद हो, परमानेंट हो। ये इन शॉर्ट एक्सप्लेन करते हैं, इस वर्डिंग से नहीं है लेकिन आपको समझ में आए। लेकिन दो चीज़ सेपरेट है यह बताने के लिए स्टार्टिंग में उन्होंने, फिर आय यानी आत्मा क्या है, कैसा है, ऐसा उसको क्वेश्चन हुआ। फिर बताया कि इसके क्या क्या गुण है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकते, पानी उसको भिजा नहीं सकता है, पवन उसको सुखा नहीं सकता है, अच्छेद्य है, ये सब बातें करी उन्होंने। आत्मा ऐसा है, ये सब करते 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 जहाँ तक उसको क्लिक नहीं होता है, जहाँ तक उसको कंटिन्यूसली बताते हैं वो। फिर जैसे वो क्वेश्चन पूछते गए वैसे उसको बताते गए। फिर भक्ति योग बताया, कर्मयोग बताया, नाम स्मरण बताया, सब चीज़ बताते गए श्री कृष्ण भगवान, एक एक स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सब कुछ बताया ना, सब बताते वक्त इतना बताया, यही करेगा तो ही तेरा उद्धार है, नाम स्मरण तो तेरा उद्धार होगा। फिर कहेगा कि अगर तू वैराग नहीं लेगा तो तेरे कुछ नहीं होगा, वैराग के बिना उद्धार नहीं है। फिर जब भक्ति की बात करी तो कि भक्ति के बगैर कुछ नहीं होगा, उससे तेरा, उसके बगैर तेरा उद्धार नहीं। ये जो भी बात बताया ना, उसका इम्पोर्टेंस सबसे बड़ा बता दिया। एज ए होल व्हेन यू स्टडी होल गीता, कर्मयोग तो कर्मयोग के बगैर नहीं हो सकता है कुछ। फिर राजयोग बताया, राजयोग उस वो नहीं करे होगा तो तेरा कुछ उद्धार नहीं होगा, उस पर इम्पोर्टेंस बताया। सब कुछ बताया लेकिन कुछ कराया नहीं उसके पास, उस अर्जुन के पास कुछ क्रिया नहीं कराई, न द्रौपदी छुड़ाई, न भक्ति कराई, न उसके माला कराई, कि न जप कराया, न तप कराया, कुछ करवाया, ध्यान करने लगाया, कुछ नहीं कराया। डायरेक्ट उसको ज्ञान योग में बिठा दिया, यानी आत्मज्ञान का प्राप्ति कराया, आत्मा की अनुभूति कराया, क्लिक कराया। बात तो बहुत की लेकिन जब तक उसको खुद को अंदर से ये क्लिक नहीं हुआ कि दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, अर्जुन एंड माय आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं अर्जुन नहीं हूँ, यह सेपरेशन का अवेयरनेस उसको नहीं हुआ, अंदर क्लिक नहीं हुआ, तब तक वह झुका नहीं, उसको एक को कन्विंस नहीं हुआ, अचीव नहीं हुआ कुछ भी उसको। जब अचीव हुआ तब वो सरेंडर, तब फाइनल हुआ उसका सरेंडर। फिर कहा कि मेरा, आई एम नाउ आई एम सेटिस्फाइड, मेरा सब संशय चला गया।
दिस इज हाउ श्री कृष्ण भगवान का जो एम था फर्स्ट, उसका आत्मा, आत्मा की पहचान कराने का, दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट इन वन सेंटेंस, कि तू आत्मा है, अर्जुन नहीं है, तू संजीव नहीं है, पर लेकिन तुम आत्मा हो. ये फर्स्ट सेंटेंस, इतना बताने के लिए बहुत सारी बातें बतानी पड़ी. और दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस, ये कौन कर रहा है, हु इज डूअर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, उसके बारे में इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन है. एवरी नाउ एंड देन यू आर चेंजिंग. आप हर कितनी भी भक्ति करता हो, कितना भी गीता पढ़ता हो, कौन से भी संप्रदाय का हो, भगवान कौन से भी भगवान का टॉप करता हो, कृष्ण का भी करता हो, गीता रोज पढ़ता हो, लेकिन डूअरशिप के लिए उसकी क्लैरिटी नहीं है एक्सपीरियंस में. एवरी नाउ एंड देन, एवरी स्टेप में वो डूअरशिप चेंज करता है. कौन करता है इसके लिए, द सेकेंड पार्ट, हु इज द डूअर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड योर्स एंड एवरीबडी. फॉर एग्जाम्पल, आप लाख डॉलर कमाए तो आपको अंदर तो रहेगा कि मैं कमाया, मेरी होशियारी से, मेरी मेहनत से, आई अर्न, मैंने किया. और वो अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और चला गया 9/11 के बाद, तब क्या करेंगे आप? सबको पहले तो कि मैं मेरी होशियारी से, मेरी अकल से कमाया, लेकिन जब जाते हैं तब आप थोड़ी ऐसा सबको कहते कि मेरी कम अकल से गए. नहीं, तब नहीं कहेंगे, तब तो कहेंगे ये लादेन पे डाल देंगे, हाँ बिन लादेन उसकी वजह से सब हो गया, या बुश की पॉलिसी से हो गया, या स्टॉक में ऐसा हो गया, या दिस एंड दैट, वी विल ब्लेम अदर्स. सी, डूअरशिप बदल, चेंज हो गई. अच्छा हुआ कमाया तो मैं, यू बिकम डूअर. लॉस गई तो आपने दूसरे पे डाल दी. अब या अगर ये कुछ नहीं रहा तो पार्टनर खा गया या मैनेजर खा गया, जो भी कोई, अपन ब्लेम कर देते हैं. नहीं तो कहते माई स्टार्स आर नॉट फेवरेबल, ऐसा भी लोग कहते हैं. दिस इज ऑल जर्नल स्टेटमेंट्स, कि पीपल आर यूजिंग दिस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्समेंट फॉर डूअरशिप. स्टार्स को बना दिया डूअर, उन्होंने मुझे लॉ. अरे स्टार्स को क्या आपने साथ लेना देना था क्या आपको लॉस करवाए? तो जब कमाए तब स्टार्स कमाए ऐसा नहीं बोलता है, लॉस गए तो उसके पैर ठोकता है. सी, वी आर चेंजिंग द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल्स मीन प्रिंसिपल, यू कैन नॉट, वंस यू एस्टेब्लिश वन प्रिंसिपल यू शुड बी स्टिक टू थ्रू आउट, यू कैन नॉट चेंज इट. हाँ, फिर आपका यू कैन चेंज इन रिलीजन वॉट एवर यू वॉन्ट टू, इट्स ओके, बट नॉट इन स्पिरिचुअलिज्म. स्पिरिचुअल साइंस एंड रिलीजन इज द टू सेपरेट थिंग्स. हम लोग दोनों को अलग पर बनाते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. रिलीजन यानी आप एनी आप फॉलो करते हैं, जिसमें बैड एंड गुड, इसका पाप पुण्य, पाप में से छूटते पुण्य में आते हैं, धर्म जिसे कहते हैं. फिर हर अलग अलग, कोई कृष्ण का फॉलो करता है, कोई शिव का करता है, कोई राम का करता है, कोई महावीर का करता है, कोई क्राइस्ट का करता है, कोई इस्लाम करता है, वॉट एवर, देर आर सो मेनी वेज. दिस इज आवर रिलीजन. हर का बेस तो यही है कि पुण्य में पुण्य कमाओ, पाप में से छूटो. डूअरशिप या इज देयर ऑल द टाइम. और आपको खुद वो डूअरशिप, आपकी भी डूअरशिप उसमें रहती है. यू आर नॉट आउट ऑफ दैट डूअरशिप. मैं पुण्य करता हूँ, मैं पाप करता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं तप करता हूँ, आई एम डूअर. दैट पार्ट इज ऑलवेज देयर, इनसाइड और आउटसाइड. डीप डाउन डूअरशिप तो रहती ही है. तो ये सब रिलीजन में जाता है. स्पिरिचुअलिज्म, व्हेन यू एंटर इनटू स्पिरिचुअल, अध्यात्म, अध्यात्म का मीनिंग ही होता है कि आत्मा की सन्मुख होना. धर्म और अध्यात्म इस तरह से अलग होता है. वहाँ आप डूअरशिप करता कौन है, उसका कंसेप्ट एकदम अलग होता है. सी,
वहाँ ये कॉन्ट्रडिक्शंस एक नहीं चलता है, एक विरोधाभास नहीं चलता है. यू हैव टू बी, जैसा साइंस में H2O इज इक्वल टू वाटर मीन्स वाटर, उसमें एक एटम ऑक्सीजन का ज़्यादा दे दिया है तो यू कैन नॉट मेक इट, पूरा चेंज हो जाता है. इवन एलॉयज में ज़रा फ़र्क हो जाता है तो भी कितना डिफरेंस हो जाता है रिजल्ट में, इतना परफेक्शन मांगता है. तो यहाँ इसमें तो अध्यात्म में तो बिल्कुल इतना भी नहीं चलता है, लेकिन हम कितना चलाते हैं. दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग द ब्लीस हैप्पीनेस और रियलाइजेशन ऑफ योर ट्रू सेल्फ. सो दिज आर सो मैनी थिंग्स वन हैज टू अंडरस्टैंड. तो जो सेकेंड पार्ट है ना डूअरशिप का है, पछ और कुछ नहीं रहा. सपोज यू डोंट बिलीव इन स्टार्स एंड एवरीथिंग, तो फिर लास्ट आखिरी में क्या कह देता है, भगवान रूठा है मुझ पर. ब्लेम्स गॉड को भी ब्लेम कर देते हैं. अच्छा हुआ कमाया तो गॉड ने कमा के दिया, ऐसा नहीं कहता है, और गया तो कहता है भगवान रूठा. सो मेनी टाइम्स अभी कुछ भी बुरा हुआ ना, अर्थक्वेक हुआ तो हमारे इंडिया में अभी अर्थक्वेक हुआ तो लोग इतना हमको बोलते थे भगवान कैसे क्या सूझी इतना इतने लोगों को मार दिया, ऐसा अर्थक्वेक क्यों किया, इस पर डाल देते हैं. सो भगवान ऐसा कुछ नहीं करता है, ही इज़ नॉट डूइंग बैड थिंग और गुड थिंग एनीथिंग फॉर एन डूअरशिप, ऐसी उसकी है ही नहीं. ऐसे सब लोगों को मार डालने का काम वो करेगा तो कितना पाप लगेगा उसको. दुनिया भी चलती है ना, तो कहते हैं ना गॉड इज दुनिया चलाता है, तो उसमें कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस खड़े हो जाते हैं. ऐसी दुनिया चलाते हैं जिसमें इतने सारे लोग दुखी. 9/11 का हुआ तो फिर लादेन में, लादेन का क्या, बिन लादेन का क्या गुना, तो उसने ही करवाया. सो जो करता है उसके उससे ज़्यादा करवाता है वह ज़्यादा गुनहगार है, तो उसको कितना पाप कर्म बंधा जाएगा. सी दिस आर सो में अदर साइड नहीं देखते हैं. सेकंड पार्ट डूअरशिप अगर आप एक्सेप्ट करें तो सेकंड पार्ट जो करता है तो उसको कर्म की थ्योरी क्या कहता है कि जो करता है उसको ही भुगतना होना पड़ता है. वन हु इज डूअर इज ऑलवेज सफरर, कर्म की थ्योरी ऐसी कहती है ना, करता है वही भुगतता होता है, वो उसको ही नहीं छोड़ सकता है. तो यह पॉइंट इसमें आता है गीता में, ये भी बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है. स्टार्टिंग में उन्होंने बताया है 5वें अध्याय में 14वां श्लोक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि न सृजति लोकस्य प्रभु न कर्म फल संयोगे स्वभावस्तु प्रवर्तते. यानी कर्तृत्वम न कर्माणि, कर्तृत्व भी नहीं और कर्मों भी को भी न सृजति लोग, ये विश्व में भगवान सर्जन नहीं करता है, प्रभु सर्जन नहीं करता है, कर्मफल का संयोग भी वह नहीं सर्जन करता है. तो फिर ये किस तरह से चलता है, तो उन्होंने कहा स्वभाव वस्तु प्रवर्त से, वस्तु अपने स्वभाव से ही चलता है. एन एलिमेंट उसका जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, प्रॉपर्टीज़ वर्क स्वयं स्वभाव से ही होती है. क्या जैसे पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे बहना, तो उसमें पानी ने कुछ किया या भगवान ने कुछ किया ऐसा नहीं कहा जाएगा. मिसिसिपी नॉर्थ में से साउथ में जाती है तो उसमें भगवान ने चलाया नहीं, तो उस पानी का स्वभाव है. H2O एटमॉस्फेयर में होता है, दिस इज ऑल साइंटिफिक, स्वभाव से ही होता है, इसमें किसी की डूअरशिप नहीं है. इसलिए क्या भगवान भी इसमें करता नहीं है, सृजनहार भी नहीं है. ये बहुत गुह्य साइंस उन्होंने बिगिनिंग में बताया है, फिर जब नहीं समझता है तो फिर बाकी की बात भाई इसने किया है उसने किया वो फिर चलता है. 15वां श्लोक में भी यही बात एम्फोसाइज की उन्होंने. ले बहुत गुह्य साइंस विज्ञान बताया है उन्होंने. अपना बॉडी देखो ना, यू आर डॉक्टर यू नो, इसमें कौन करता है किस तरह से करता है, इस ऑल मैकेनिज्म इस नेचुरल स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक ही चल रहा है ना. लंग्स कौन चलाता है ना, हार्ट कौन चलाता है ना, डाइजेशन कौन करता है, ग्रोथ कौन करता है ना, इस ऑल सर्कमस्टेंसेस नेचुरल, इस ऑल नेचुरल.
नेचुरल मीन्स कितना सारा एलिमेंट्स इकट्ठा होता है, कार्य होता है, उसको नेचुरल करते हैं, कहते हैं नेचर। इंडिपेंडेंट किसका भी डोरशिप नहीं है, सब नेचुरल। और इसमें है वंस यू, अभी होता क्या है, कर्म किस तरह से होता है, सॉल नेचुरल इज गोइंग ऑन एंड यू बिलीव दैट आई एम डूइंग, दैट इज ईगो। यू बिकम डूअर, सो वंस यू बिकम डूअर देन यू हैव टू बी सफर, एक्शन का रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। एंड इफ यू रियलाइज दैट आई एम आत्मा, आत्मा तो करता नहीं है, करता कहा है भगवान ने, स्वस्थ का आत्मा की कोई क्रिया नहीं है, तो अकर्ता है। तो फिर आप खुद अगर रियल ट्रू सेल्फ आप आत्मा है, तो वर्ल्डली थिंग में आप करने वाला है ही नहीं आपको। और सेकंड पार्ट आपका है संजीव, दैट इज अनात्मा है, इट्स नॉट आत्मा। आत्मा और अनात्मा टू एलिमेंट्स टोटल सेपरेट है। तो अनात्मा पार्ट क्रियावाल है, अनात्मा इज जड़ तत्व, दैट इज ऑलवेज डूअरशिप उसकी है। दो एलिमेंट्स है अपनी बॉडी में, एक चेतन आत्मा है, दूसरा ये जड़ परमाणु का बना हुआ है, एट मेड अप ऑफ सो मॉलिक्यूल्स, असंख्य मालूम, दोनों का मिक्सचर है। दो एलिमेंट्स इकट्ठा होता है, थर्ड भाष्यमान होता है। इसमें थर्ड एलिमेंट यानी ईगो होता है, और वो बिलीव करता है कि क्रिया और डूअरशिप है ना, तो जड़ तत्व किया चेतन करता है। तो मानने ईगो क्या मानता है कि जड़ का क्रिया होती है, तो मानता है मैं करता हूँ। और आत्मा ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, तो भी उसका ईगो मानता है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं परमानंदी, मैं जे आनंद होता है। इस दोनों का कार्य अहंकार मान लेता है क्रिया में, वहाँ से कर्म चार्ज होता है क्या। और वंश चार्ज होता है तो डिस्चार्ज स्पॉन्टेनियस और नेचुरल होता है, फिर किसके हाथ में नहीं है, यू हैव टू, यू आर बाउंडेड टू फिनिश इट। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन तू नहीं कहता है, लेकिन तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, तू कर्म लेकर आया है, बांध कर आया, अभी तुझे छोड़ना पड़ेगा, चार्ज होकर आया है, डिस्चार्ज हो छोड़ेगा नहीं तुझे। हाँ, तू अभी ये ध्यान में रह कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ये कर रहा नहीं है, कर्म करा रहा है, तो तू नया कर्म चार्ज नहीं करेगा और पुराना फिनिश हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्मा है, आत्मा मारता नहीं है, मरता नहीं है, ये कर्म तेरा पूरा हो रहा है, डिस्चार्ज पार्ट अनात्मा विभाग का हो रहा है। ये अवेयरनेस में रहे और कर्म कर, ये अवेयरनेस में रहकर उन्होंने करोड़ों को मार डाला, एक भी कर्म नहीं बंधा गया, और उसी जन्म में वो मोक्ष में चला गया, नहीं तो नरक में जाए, ऐसा तो पाप था उसका। यू अंडरस्टैंड, सेकंड पार्ट इज रिगार्डिंग द डूअरशिप। यू आर नॉट एट ऑल डूअर ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वॉट एवर इज डूइंग इज आउट ऑफ यू। जैसे अर्जुन को बताया श्री कृष्ण भगवान ने, ऑल यू आर डिस्चार्ज है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, फाइव सेंसेस से आप जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वह सब आपका डिस्चार्ज है। कर्म चार्ज अंदर होता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता है, वो पिछला जन्म का था। सो ये दो ही चीज कर बेस ऊपर पूरा ज्ञान भगवान ने उसको दिया और उसको मुक्त करा दिया।